इंडिया बुला सकते हैं हम। इंडिया बुला सकते हैं किस बंदे? आपको दुख है कि गोल्ड मेडल नहीं आई है, आपको खुशी है कि फिर वापस आ रही है टीम? बिल्कुल, आई थिंक मेडल मेडल होता है और देश के लिए मेडल लेके आना सबसे बड़ी बात है। जो हमारी कोशिश थी कि हम फाइनल तक जाएं और गोल्ड मेडल जीतें, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारा सपना पूरा नहीं हुआ। बट हम खाली हाथ वापस नहीं आए हैं एंड बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीतना ये भी हिस्ट्री है हॉकी के लिए और आई थिंक बहुत प्राउड है हम। किसको डेडिकेट करेंगे ये मेडल? ये पूरे इंडिया को करेंगे कि जितना आप लोगों ने सबने प्यार दिया है हमें वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये स्पोर्ट आपकी हमेशा हमारे साथ रहे यही उम्मीद करते हैं। आई थिंक काफ़ी इमोशनल मोमेंट था उनके लिए भी और क्योंकि इतना समय उन्होंने जो हॉकी को दिया है टीम को दिया है आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है एंड लास्ट मैच खेलना और मेडल के साथ फिनिश करना इससे बड़ी बात उनके लिए भी कोई नहीं है। तो हमारा यही था कि उन जो वो जा रहे हैं तो उनको अच्छे से भेजें, मेडल के साथ भेजें और हम बहुत खुश हैं उनके लिए। बट ऑफकोर्स अभी वो रिटायरमेंट दे चुके हैं बट वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। नो डाउट नहीं, बिल्कुल सर, आई थिंक जो स्पोर्ट मिल रही है स्पोर्ट्स को और सभी गेम्स को आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट है। रियली वांट टू थैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे साई बेंगलोर और आई थिंक साई के एंड जो हमारी ओडिशा गवर्नमेंट है एंड हमारी हॉकी इंडिया, आई थिंक इनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है हमें। और एज ए प्लेयर सबको यही होता है कि आपको सब सपोर्ट मिले, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो आपकी पूरी हो, तो आई थिंक वो हमें मिली है और आई रियली वांट टू थैंक। बहुत खुश हैं और बहुत प्राउड हैं क्योंकि हॉकी के लिए बहुत बड़ी बात है और जितना प्यार अब मिल रहा है हॉकी को और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी डबल करता है और हम भी कोशिश करेंगे कि जब भी मैदान में जाएं और देश के लिए मेडल लेके आएं। इंडिया बुला सकते हैं हमें? बिल्कुल, आई थिंक मेडल मेडल होता है और देश के लिए मेडल लेके आना सबसे बड़ी बात है। जो हमारी कोशिश थी कि हम फाइनल तक जाएं और गोल्ड मेडल जीतें, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारा सपना पूरा नहीं हुआ। बट हम खाली हाथ वापस नहीं आए हैं एंड बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीतना ये भी हिस्ट्री है हॉकी के लिए और आई थिंक बहुत प्राउड है हम। किसको डेडिकेट करेंगे ये मेडल? ये पूरे इंडिया को करेंगे कि जितना आप लोगों ने सबने प्यार दिया है हमें वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये स्पोर्ट आपकी हमेशा हमारे साथ रहे यही उम्मीद करते हैं। आई थिंक काफ़ी इमोशनल मोमेंट था उनके लिए भी और क्योंकि इतना समय उन्होंने जो हॉकी को दिया है टीम को दिया है आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है एंड लास्ट मैच खेलना और मेडल के साथ फिनिश करना इससे बड़ी बात उनके लिए भी कोई नहीं है। तो हमारा यही था कि उन जो वो जा रहे हैं तो उनको अच्छे से भेजें, मेडल के साथ भेजें और हम बहुत खुश हैं उनके लिए। बट ऑफकोर्स अभी वो रिटायरमेंट दे चुके हैं बट वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। नो डाउट नहीं, बिल्कुल सर, आई थिंक जो स्पोर्ट मिल रही है स्पोर्ट्स को और सभी गेम्स को आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट है। रियली वांट टू थैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे साई बेंगलोर और आई थिंक साई के एंड जो हमारी ओडिशा गवर्नमेंट है एंड हमारी हॉकी इंडिया, आई थिंक इनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है हमें। और एज ए प्लेयर सबको यही होता है कि आपको सब सपोर्ट मिले, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो आपकी पूरी हो, तो आई थिंक वो हमें मिली है और आई रियली वांट टू थैंक। बहुत खुश हैं और बहुत प्राउड हैं क्योंकि हॉकी के लिए बहुत बड़ी बात है और जितना प्यार अब मिल रहा है हॉकी को और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी डबल करता है और हम भी कोशिश करेंगे कि जब भी मैदान में जाएं और देश के लिए मेडल लेके आएं।